प्रदेश के मुखिया शिवराज सिंह चौहान द्वारा ख्वाजा गरीब नवाज के लिए पहुंची चादर रीवा। आपको बता दें कि प्रदेश के विभिन्न जिलों से होते हुए अजमेर में ख्वाजा गरीब नवाज को चढ़ाई जाएगी चादर। हजरत ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्ला अलैह के 810वें उर्स मुबारक मौके पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान अजमेर शरीफ में चादर चढ़ाएंगे। चादर अजमेर पहुंचने से पहले मध्य प्रदेश के विभिन्न जिलों से होते हुए आज रीवा के छोटी दरगाह पहुंची, जहां रीवा की जनता को चादर के जियारात कराए गए। मुख्यमंत्री के द्वारा भेजी गई चादर के साथ एक पत्र भी भेजा गया है। मुख्यमंत्री का संदेश लेकर आए एस के मोनुद्दीन ने पत्र पढ़ते हुए रीवा की जनता को मुख्यमंत्री का संदेश दिया है। मुख्यमंत्री ने अपने पत्र में लिखा कि भारत की सांस्कृतिक आध्यात्मिक परंपरा ख्वाजा गरीब नवाज के खिदमत में हाजिरी देना अपने आप में हमारी खुशकिस्मती है, सवैये सबब का काम है। साथ ही मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि इज्जत करने वाले लोग जागृत करने के बाद अपने शहरों कस्बों में जाएं और एक वृक्ष अवश्य लगाएं। इस दौरान भाजपा नेता सोनू मुस्लिम एवं छोटी दरगाह कमेटी के अध्यक्ष अनस अब्बासी सहित अन्य गणमान्य नागरिक उपस्थित रहे। प्रस्तुत है एस के मोनुद्दीन से प्राप्त जानकारी के अंश। कहाँ जाएगी और कहाँ भी इसको चढ़ाना जी? हजरत ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह के 810वें उर्स मुबारक मौके पर हमारे सूबे के हरदिल अजीज वजीर आला मोहतरम जनाब शिवराज सिंह चौहान साहब ने अकीदत के फूलों के साथ अजमेर शरीफ उर्फ में चादर शरीफ पेश करने के लिए मुझे दिए। उन्होंने एक संदेश भी दिया कि हमारा मध्य प्रदेश खुशहाल रहे, तरक्की करे, आपसी सद्भाव और भाईचारा बना रहे। उन्होंने इसके साथ एक अपील भी की कि अलग अलग सूबों से, अलग अलग जिलों से जो लोग ज़्यारत के लिए अजमेर शरीफ पहुंच रहे हैं, उनको उन्होंने मध्य प्रदेश की जानेब से मुबारकबाद पेश की और एक अपील की कि जब लौट कर आप अपने अपने शहरों या कस्बों में जाएँ तो एक वृक्ष ज़रूर लगाएँ। वो चादर शरीफ लेकर मैं परसों भोपाल से चला तो होशंगाबाद में चादर शरीफ की ज़्यारत हुई, नरसिंहपुर में ज़्यारत हुई, कल जबलपुर में थी, अभी रीवा में है, लौटते में कटनी रहेंगे और सिहोरा रहेंगे, उसके बाद कल मैं लिख लूँगा यहाँ से देवास, उज्जैन, रतलाम, मंदसौर, नीमच होता हुआ मैं 11 तारीख को इंशाअल्लाह बड़े कुल को मैं ये चादर शरीफ मुख्यमंत्री जी की वहाँ पेश करूँगा। हमारा देश जो है आपसी सद्भाव और भाईचारे का देश है। किसी ने कहा हिंदू धर्म की उदारता, मुस्लिम धर्म की समानता, सिख धर्म का शौर्य, ईसाई धर्म का सेवा भाव, जैन समाज की अहिंसा, बौद्ध समाज की करुणा, इन सब फूलों से बनता है गुलदस्ता जिसे हम हिंदुस्तान कहते हैं। आप आज हम यहाँ छोटी दरगाह में ज्यारत के लिए आए, हमारे मुस्लिम सोनू भाई हमारे साथी हैं, पार्टी के हमारे नेता हैं, आज यहाँ ज्यारत के लिए हम लोगों ने यहाँ रखा। बहुत बड़ी तादाद में यहाँ पर जायरों ने ज्यारत की और सब ने पूरे मुल्क की, देश की, प्रदेश की फलाह बहबूदी की दुआएं मांगी और अल्लाह ताला आप सभी लोगों, जिन लोगों ने भी ये मन्नतें मानी हैं, उनकी नेक ख्वाहिशें पूरी करें। बस यही गुजारिश आप लोगों से करना चाहिए।